that is unexpected. They had 16 but यहाँ पे ये वाला ग्रेनेड ही फटेगा. अगर ये अंदर गया तो सिनिस्टर यहाँ पे नॉक होगा. एंड क्या ये वाला ग्रेनेड कनेक्ट होगा. एंड यस मॉडल आने वाली है. इसके लिए ऑडियंस पागल होने वाली है. टू टाइम नेशनल चैंपियंस देयर यू कैन सी सोल मॉडल कमिंग अप फॉलोड बाय सोल वाइपर रेगल टॉस एंड सोल अभी देखिए चार किल्स अकेले मॉडल के पास है. सोल के टीम के सात किल्स है. तो अब इनको थोड़ा थोड़ा सा पैसा होना पड़ेगा. कंपाउंड के अंदर जाते हैं. वहां पे एचके एके स्पॉटेड है. शॉट फायर करने की कोशिश बट काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं. और अब खुले में फाइट एंड मॉडल कम्स आउट ऑन टॉप. एक्जैक्टली यहाँ पे बट स्लेयर बाहर बैठे हुए फर्स्ट एड पॉप करते हैं यहाँ पे. बट डैमेज पड़ेगा बहुत ज्यादा. फर्स्ट एड हो जाएगी पॉप बट बाहर निकलते ही one of the best assaulters in India. They are closing down towards Neo. देखते हैं Neo कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं. Neo एक काफी मुश्किल सिचुएशन में. बट वहाँ बात करें सोल की, इनको भी केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जैसा आपने पहले बताया सिनर्जी का स्क्वाड ज्यादा दुनिया. और Neo वहाँ पे रेगल टॉस को अपनी जान दे बैठते. एक और किल जाता हुआ टीम सोल के लिए. पांच किल्स पे अभी आ चुके हैं. इस टीम ने परफॉर्मेंस इस गेम में बहुत अमेजिंग. ओके तो सोल की टीम यहाँ पे मचा रही है बिकॉज गॉड लाइक के यहाँ पे तीन प्लेयर्स नॉकडाउन है. एक मॉडल ने निकाले. क्रॉन्टो ओपी हैज बीन आल्सो नॉकडाउन. यहाँ पे फिनिश करने के लिए जा रहे हैं मॉडल. क्लोज रेंज में यहाँ पे कीकी से भी फाइट हो सकती है बिकॉज ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर हियर. वन वर्सेस फोर सिचुएशन. यहाँ पे हेड दुख चुका है यहाँ पे मॉडल को. यहाँ पे पूरी बॉडी एक्सपोज हो चुकी है. एंड क्लच गॉड ने निकाला वाला किल. एंड सोल मॉडल हैव कलेक्टेड टू किल्स आउट ऑफ दोस फोर. यहाँ पे गॉड लाइक सबसे पहली टीम होती है जो एलिमिनेट होगी इस वाले सन. जो वहाँ पर रेगल टॉस ने उसके ऊपर पुश आ रहा था ओआरबी का. एंड सडनली रेगल टॉस ओआरबी के पुश को रोकते हुए क्या प्यारे तरीके से होल्ड कर रहे हैं. यहाँ पे ओआरबी की पूरी स्क्वाड को अभी ने एक ही स्प्रे में ले गया. एंड ओआरबी के लिए बहुत ही दर्दनाक एक्सिट रहेगा एक राइट पे. दे वर एट अ गुड स्पॉट. अच्छा खेल रहे थे. एंड सडनली वी सी रेगल टॉस वहाँ पे क्रॉन्टन को भी नॉक करते हुए. रेगल टॉस इज ऑन अ रन पर यहाँ पे उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. थोड़ा कंपोजर मेंटेन करना चाहिए. पर रेगल टॉस नहीं रुकेगा. वहाँ पे क्रॉन्टन और कीकी ओपी दोनों को आउट करते हुए सोल कमिंग अप विद द फोर. मैं जो बोल रहा था कैंडी का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है. क्लोज एनकाउंटर मैक्स कर्ज ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया है ऑलरेडी मॉर्टल कॉइन. यहाँ पे माइक्रोसिस एक और नॉकडाउन कर रहा है. ओह माय गॉड व्हाट इज ही डूइंग. क्लच गॉड भी नॉकडाउन है. पीछे से कवर फायर कहाँ पे है बिकॉज मैक्स कर्ज को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है. यही एक टाइम था जहाँ पे ओआरबी इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे सोल को निपटा सकती थी. बट यहाँ पे ओके यहाँ पे आ चुके हैं ओआरबी. मजे का बहुत प्यारा मोलोटोव था. सो एक और ग्रेनेड यहाँ पे बाहर से फेंक दिया जाए तो मेरे ख्याल से सोल विल बी इन अ बिग ट्रबल ओवर हियर बिकॉज ना इनके पास अभी इतनी मेड्स रहेंगी और ऊपर से ऑलरेडी एक और नॉक जो था यहाँ पे रिवाइव मिला है. बट यहाँ पे प्री फायर देते हुए सिनिस्टर अब देखते कैसे एंट्री मारेंगे बिकॉज चारों प्लेयर अंदर अब अपने पैरों पर खड़े हैं. कोई भी नॉक आउट नहीं है बट बैंडेजेस की आवाज़ आ रही होगी जरूर. बट यहाँ पे मेरे ख्याल से एक ब्लाइंड पुश तो नहीं बट दो जो प्लेयर है उनको भी पीछे जाना चाहिए बिकॉज अंदर बहुत लो एच पी के दो प्लेयर्स है. क्लच गॉड है रिगल टॉस और मॉर्टल ने यहाँ पे फोर्स्ड अपनी पॉपअप कर लिया. स्मोक बॉल यहाँ पे फेंक दिया इस वाले रूम में. अब कैन दिस विल बी अ ब्लाइंड पुश ओवर हियर. क्लच गॉड है अंदर. अभी भी कोई नॉक नहीं मिला है पहला. अंदर अभी भी माइक्रो उसी चला रहे. क्लच गॉड लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है. देखते हैं कितनी जल्दी वो स्पॉट करेगा. सिनिस्टर ने एक ब्लाइंड एडीएस खोल के अपने को नॉक करा. यहाँ पे मैड डॉग क्या था उसको नॉक करे. दो प्लेयर यहाँ पे ओआरबी को नॉकडाउन हो चुके. ओ माय गॉड क्या एंट्री करी थी. बट सोल इज क्लचिंग दिस फॉर देम एंड सोल इज ऑन देयर वे. उन्होंने पहली टीम एलिमिनेट कर दी. मुश्किल हो सकता है रेगल टॉस का फुल एचपी है. एंड रेगल टॉस वर्सेस जोनाथन. एंड जोनाथन को एग्जीट करते हुए एनटीडी स्क्वाड आल्सो गॉट एलिमिनेटेड बाय सोल. अभी वाइपर को रेगल टॉस बचा लेगा. एंड दैट वाज अ नाइस क्लच बाय रेगल टॉस. रेगल टॉस बैक टू बैक भाई छक्के लगा रहा है यहां पर.
अभी 10 नंबर मैच चल रहा है, उधर क्लच गॉड नहीं आ रहा है, नाउटो को नॉकआउट कर चुका है एंड उधर ऑस्टिन एक्स को भी नॉकआउट करते हैं। इधर फिनाटी के रौनक ने बहुत ही प्यारा वहां पर गोल होकर यहां पर बच चुका है, नहीं तो यहां पर उधर नॉकआउट कर सकता था उसको। इधर मॉर्टल एंड मॉर्टल ने यहां पर नॉकआउट कर चुका है रौनक को, इधर नीड मेजर रन पर पीछे से यहां पर थर्ड पार्टी कर सकता है सिनर्जी की टीम को। एंड मॉर्टल लास्ट मैच में बहुत प्यारा नेट किया था, इस मैच में बहुत प्यारा एक और ग्रेनेड आता हुआ फिनाटी को इसके राइट साइड में, मॉर्टल का ग्रेनेड क्या वाला डैमेज देगा। ओके सो यहां पे मॉर्टल का जो ग्रेनेड था वो यहां पे किल स्टील होता हुआ सिनर्जी के मेरे ख्याल से मेगा अल्फा ने मेजर अल्फा ने वहां पे किल स्टील करा वाला। एंड अब हर साइड से यहां पे फिनाटिक के प्लेयर्स को गोलियां पड़ेंगी। मेजर अल्फा हैज बीन स्पॉटेड ओवर देयर, सोल वाइपर यहां पे सिंगल टैप, बट यहां पे मेजर अल्फा प्रोन थे तो उनकी बुलेट्स ज्यादा कनेक्ट हुई वहां पे, क्लच गॉड ने यहां पे फिनिश करा मेजर अल्फा। के सामने तीन स्क्वाड जा चुके हैं एंड सोल इज एक्चुअली गोइंग फॉर द पुश, दिस अ साइड ऑफ सोल व्हिच आई हैव नेवर सीन, बट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनके राइट में सांगवान है यू नो ब्रॉलर्स के, एंड यहां पे मॉर्टल टेकिंग द फर्स्ट चार्ज एंड सोल इज गोइंग फॉर एन अमेजिंग पुश, मतलब यहां पे दिस इज समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, दे हैड 16 बट यहां पे ये वाला ग्रेनेड ही फटेगा, अगर ये अंदर गया तो सिनिस्टर यहां पे नॉक होगा एंड क्या ये वाला ग्रेनेड कनेक्ट होगा एंड यस मॉर्टल हैव टुक दैट पुश। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो लोगों पे चारों बंदे बचे हैं, क्लच गॉड ने यहां पर वो आरबी की टीम को भी कर दिया एलिमिनेट एट 11 नंबर पोजीशन। वी आर डाउन टू 10 टीम्स राइट नाउ, 21 मिनट ऑलरेडी गेम का तो हो चुका है, 27 बंदे ऑलरेडी बचे हैं। सिनर्जी सोल आईएनडी 0 डिग्री ये चारों स्कोर जो है चारों के चारों बंदे बचे हैं। जोनाथन पे उधर पर डैमेज अगर पड़ता है तो यहां पर एनटीडी के लिए बहुत ज्यादा खतरा होगा। एनटीडी जो पहले दिन का परफॉर्मेंस दे रही उस लेवल का परफॉर्मेंस आज दे नहीं पा रही है, पैसिव हो रहा है उन लोगों का, गेम प्ले थोड़ा इधर जोनाथन का अगर एक और डैमेज यहां पर जोनाथन को नॉकआउट करते हुए, लेकिन टॉस एनटीडी गेमिंग यहां पर डाउन हो सकता है। मेगा स्टार्स उधर एलिमिनेट हो चुके हैं, आरआईपी का स्क्वाड भी एलिमिनेट हो गया, एनटीडी भी एट पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुके हैं। ग्रेट भाई इसके बाद आई कैन सेंस अ न्यू चैंपियन है, बिकॉज इस गेम के बाद जो स्कोर बोर्ड में बदलाव आने वाला है ये ऑडियंस पागल हो जाएगी, ऑडियंस संभाल नहीं पाएगी, कॉज जो दिल धड़केंगे जो खुशियां बटेंगी ना आगे, बिकॉज सोल इस वक्त 5 पॉइंट के साथ नंबर 1 किल डिपार्टमेंट संभाल रही है और उनके चार प्लेयर है, भले आईने से 5 किल निकाले उनके पास 2 प्लेयर कम है। सोल इस गेम के बाद एक अच्छी लीड जरूर पकड़ने वाली है, तो चारों प्लेयर है सी दैट कॉन्फिडेंस, इस वक्त पूरा वो डोमिनेट कर रहे हैं एलिमेंट्रिक्स को। अगर यहाँ पर एलिमेंट्रिक्स ने एक बहुत बड़ा अपसेट कैरी ऑन कर लिया, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग फॉर टीम सोल। बट बाकी की अगर बात करेंगे टीम आईएनडी, दे आर प्लेइंग पैसिव, दे आर स्टिल गोइंग फॉर द सर्वाइवल पॉइंट, उनको पता है कि अभी वो कोई मूर्खता नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू मेक एनी ब्लंडर्स, वो बस लेट गेम जाएंगे और वहां जाकर अपना इंपैक्ट दिखाएंगे। गॉडल के अकेले माफिया बचे तो काफी देर से अपनी जर्नी ट्रैवल करे जा रहे हैं, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। यहाँ पे ओपन दार रहा है, ओपन में जा रहा है एंड ही नीड्स टू एंश्योर कि वो प्रॉपर्ली हील हो जाए। वहां से क्लच गॉड आते हुए स्काउट के पास एक हल्का सा टीपीपी एडवांटेज है, स्काउट अगर फर्स्ट एड लगा लेता है तो फिर क्लच गॉड वर्सेस स्काउट का बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है। यहाँ पे स्काउट रश इन करते हुए सोल क्लच गॉड के ऊपर, रेगल्टोस वापस लेने की कोशिश करेगा, क्लच गॉड वर्सेस फिनेटिक स्काउट, स्काउट इज 10 एचपी एंड यहाँ पे फिनेटिक 11वें नंबर पे आउट होते हुए क्लच गॉड यहाँ पे सोल आईडी दलजीत को स्पॉट कर चुके हैं एंड सोल के पास 5वां किल है, ये जहां पे उनका छठा नॉक होते हुए दलजीत यहाँ पे नॉक है, सोल इज ऑन अ रन, फनेटिक एनटीडी गेमिंग यहाँ पे कंपटीशन से बाहर है, सिनर्जी का सिर्फ एक बंदा बचा है, इनको यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन कंपोजर की जरूरत है। उनके ऊपर एलिमेंट्रिक सिटी आ चुके हैं, यहाँ पे मॉर्टल नॉक है, इनफैक्ट रेगल्टोस भी नॉक है, एलिमेंट्रिक यहाँ पे कंप्लीट सरप्राइज एलिमेंट पूरे टीम के लाते हुए थोड़ा यहाँ पे कंपोजर खो बैठे थे। क्लच गॉड भी यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं एंड यहाँ पे सोल के लिए भी थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल, क्लच गॉड भी फिनिश होते हैं, सोल गेटिंग एलिमिनेटेड एट द 13th स्पॉट विद 5 किल्स एंड यहाँ पे बहुत ही अलग ही हमें कुछ देखने मिला, ऑल द टॉप 3 टीम्स गेटिंग नॉक्ड आउट एट द 15th, 14th एंड द 13th स्पॉट।